जैसा कि आप लोग जानते होंगे इस समय भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी दो दिनों के लिए पाकिस्तान पहुंचे हैं पाकिस्तान में हो रही एस समिट में हिस्सा लेने के लिए विदेश मंत्री वहां पहुंचे हैं लेकिन जिस समय वो वहां पर मौजूद हैं उसी बीच पाकिस्तान के साथ कई बड़े देशों ने हाथ मिलाना शुरू कर दिया है यदि आपको याद हो तो कल के वीडियो में हमने आपको अमेरिका और इटली के बारे में बताया था उस वीडियो को अब तक करीब एक लाख लोगो ने देख लिया है लेकिन भारत के लिए इंटरेस्टिंग बात यह है की उस समय पर सऊदी अरब ने पाकिस्तान के सामने दो अरब डॉलर का ऑफर रखा है जिस समय पर भारत के सामने सिर्फ सौ अरब डॉलर का ऑफर रखा गया दूसरी खबर भारत कनाडा और रूस के सामने निकल के आ रही है जहाँ पर कनाडा ने भारत के साथ जो किया है इस चीज को लेकर के रूस ने कनाडा को ही बॉलीवुड स्टाइल में रोस्ट कर डाला है इसके अलावा मिडिल ईस्ट और डिफेंस ऐसी जुड़ी हुई कई इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल न्यूज हम आपको बताने वाले हैं यदि आपको हमारी ये न्यूज सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा सबसे पहले सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच होने वाली डील की बात की जाए तो सऊदी अरब के विदेश मंत्री अल फलीह ने गुरुवार को अनाउंसमेंट की कि वो अब कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के लिए पाकिस्तान को करीब 200 अरब डॉलर के एक एनुअल कंस्ट्रक्शन में हिस्सा बनाने वाले हैं लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि पाकिस्तान इस न्यूज को गलत तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहा है असल में सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ जो कॉन्ट्रेक्ट साइन किया है इसमें जो कंस्ट्रक्शन वाला हिस्सा है इसमें करीब वन बिलियन यू डॉलर इंडस्ट्री को पहुँचाना चाहते हैं और ये वैल्यू दो तक पहुँच जाएगी जिसमे काफी बड़े सामग्री पाकिस्तान से खरीदी जाएगी इसके अलावा जो लेबर्स हैं, वो जो समय समय पर और सऊदी अरब ने हाल ही में इस्लामाबाद के अंदर सत्ताईस एमओ जिन्हें हम मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहते हैं इनको साइन किया है पाकिस्तान के साथ जिनकी वैल्यू करीब 2.2 बिलियन यूएस डॉलर है इसमें ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट और अलग अलग इंडस्ट्रीज में साइन किए गए हैं जिससे पाकिस्तान की इंडस्ट्री एग्रीकल्चर टेली फूड सिक्योरिटी एजुकेशन हेल्थ और एनर्जी पर फोकस किया जाए इसके अलावा सऊदी अरब की मदद से ही पाकिस्तान को आई से भी मदद मिलती रही है और चीज को लेकर के खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अपना स्टेटमेंट दे चुके हैं उन्होंने कहा कि की आई की तरफ ऐसी जो इन्हें कई मिलियन यूएस डॉलर का लोन मिला है यह सऊदी अरब की वजह ऐसी मिला है सऊदी अरब इंटरनेशनल लेवल आरोप पाकिस्तान का सपोर्ट करता है जिसकी वजह ऐसी इन्हें अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ऐसी पैसे मिल पाते हैं लेकिन दूसरी अपडेट की बात की जाए जहाँ सेम टाइम पर सऊदी अरब भारत के अंदर एक काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है आपका याद होगा पिछले साल सऊदी अरब ने भारत से प्रॉमिस किया था कि हम भारत के अंदर दो से तीन सालों में करीब सौ अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करेंगे और अब इसकी बड़ी शुरुआत भारत के साथ मिलकर के सऊदी मिल अरब ने करनी शुरू कर दी है जहाँ रिसेंटली अपडेट सामने निकल के आए की सऊदी अरब और बी जिसे हम भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड के नाम से जानते हैं इनके साथ मिलकर के एक नई रिफाइनरी को भारत में सेटअप करेंगे और इस एक नई तैयारी के बाद सऊदी अरब दुनिया का वो पहला देश बनने वाला है जो कि भारत के अंदर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा बिकॉज आज भारत के अंदर जो मेजर इन्वेस्टमेंट बाहर से आती है उसमें मॉरिशियस सिंगापुर यूएसए नीदरलैंड जापान जैसे देश शामिल हैं और सऊदी अरब का नाम काफी नीचे आता है लेकिन जैसे ही सऊदी अरब ने यह प्लान भारत के सामने रखा कि हम 100 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके बाद ये सभी देश हैरान हो गए जो कि भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं क्योंकि एक बार में या फिर पिछले तीन से चार सालों का डेटा निकाल करके आप देखेंगे तो पाएंगे की सौ अरब डॉलर के इन्वेस्टमेंट किसी भी देश ने भारत में नहीं करी है इससे भारत को होने वाले फायदे की बात की जाए तो करंटली भारत के अंदर करीब तेईस ऑयल रिफाइनरीज काम करती है लेकिन जिस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर रिफाइंड पेट्रोलियम की डिमांड बढ़ती चली जा रही है चाहे पेट्रोल की हो डीजल के या फिर बनने वाले तरह तरह के केमिकल्स इस डिमांड के चलते भारत को और ज्यादा अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना होगा और ऐसे में जो इन्वेस्टमेंट के इश्यू थे ये भारत को काफी हद तक सॉल्व होते हुए नजर आएंगे और सऊदी अरब एक ऐसा देश बन जाता है जो खुद क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर कंट्री है और इन्हीं की रिफाइनरी भारत के अंदर रहेगी तो जो ऑयल वहां से भारत के अंदर आता है रिफाइन होने के लिए यह प्रोसेस काफी ज्यादा इजी हो जाएगा क्योंकि तो ऑयल फील्ड हो या फिर ऑयल रिफाइनरी सारा कंट्रोल जब एक कंपनी के हाथ में रहेगा तो डेफिनेटली ये सारा प्रोसेस और ज्यादा ईजी हो जाएगा और भारत को भी इससे फायदा होगा क्योंकि हम पेट्रोल और डीजल इजिली यूरोप के अंदर एक्सपोर्ट कर पाएंगे जो की हम इस समय सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं काफी इम्पोर्टेंट स्टेप लिया गया है सऊदी अरेबिया की तरफ से लेकिन सऊदी अरेबिया समय समय पर पाकिस्तान की भी मदद करता आया है नेक्स्ट इंपोर्टेंट डेट की बात की जाए तो रशिया के मीडिया की तरफ से अब जस्टिन ट्रूडो को रोस्ट किया गया है असल में आप जानते होंगे कि किस तरीके से दो दिन पहले ही भारत और कनाडा के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशन खराब हुए हैं इसके चलते दुनिया भर से प्रतिक्रिया आनी शुरू हुई है जहाँ पर रशिया जो की भारत का ऑलरेडी सालों पुराना दोस्त है उसने कुछ नए ही स्टाइल में ट्रूडो को रोस्ट कर दिया साफ शब्दों में आप ट्वीट देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर जहाँ पर यह बताया गया है कि बिना किसी एविडेंस के ट्रूडो उछल रहे हैं और सिर्फ और सिर्फ वोट को घसीटने के लिए वो इस तरीके का नाच गाना कर रहे हैं इसके अलावा ए की तरफ से पूरा वीडियो अपलोड किया गया है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नेक्स्ट अपडेट मिडिल ईस्ट से सामने निकल के आ रही है जहाँ पर इसराइल और ईरान के बीच जो टेंशन है वो अभी भी कम नहीं हुई है और अब ईरान का साथ देने के लिए एक और बड़ी ताकत उतर आई है और उसका नाम है चीन उससे पहले अगर रूस की बात की जाए तो रूस ने ऑलरेडी अपना बेहद खास एयर डिफेंस सिस्टम जिसे हम एस फोर के नाम से जानते हैं जिसके एस कार्डन भारत के पास मौजूद हैं वो ऑलरेडी ईरान को सप्लाई किए जा रहे हैं लेकिन अब जो हालात ईरान और इसराइल के बीच चल रहे हैं इसमें चीन भी इन्वॉल्व होने जा रहा है और अब चीन की तरफ से भी काफी बड़े और एडवांस हथियार ईरान को सप्लाई किए जाएंगे जिसकी जरूरत आज ईरान को सबसे ज्यादा है और चीन के जो हथियार इस समय ईरान के अंदर ऑपरेट हो रहे हैं वो भी काफी ज्यादा एडवांस हथियार है इसमें लेजर गाइडेड मिसाइलें ऑलरेडी ईरान को सप्लाई की जा चुकी है इसके अलावा कई और एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम भी ईरान को सप्लाई किए जाएंगे इसके अलावा चीन की तरफ से शेनोंग थ्री 3000 जैसा दिखने वाला एक तरीके का एडवांस डिफेंस सिस्टम भी ईरान को सप्लाई किया जाएगा और इस तरीके के बड़े हथियारों का इस्तेमाल ईरान सिर्फ इसराइल से आने वाले हमलों को रोकने में करेगा लेकिन जरूरत पड़ने पर कई एडवांस मिसाइलें भी सीधे सीधे ईरान को सप्लाई की जा सकती है जिनका इस्तेमाल वो इसराइल के खिलाफ कर पाएगा वही दूसरी तरफ इसराइल की बात की जाए तो इसराइल का सपोर्ट में इटली तमाम यूरोपीय देश और खुद अमेरिका उतर चुका है अमेरिका ने अपना एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम थर्ड तक इसराइल को सप्लाई कर दिया है लेकिन अमेरिका समय समय पर इसराइल को ये बात भी समझा रहा है कि इसराइल को अब थोड़ा सा संभल करके एक्शन लेना होगा क्योंकि अगर इसराइल कोई छोटी से भी गलती कर देगा तो पूरे मिडिल ईस्ट में एक नई वॉर छिड़ जाएगी और इसकी मार पूरी दुनिया को झेलनी पड़ेगी और आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर रशिया चाइना डायरेक्टली इन्वॉल्व हो चुके हैं और जब ये बड़ी ताकतें एक साथ एक ही फ्रंट पर वॉर लड़ने के लिए आ जाएंगे तो डेफिनेटली दुनिया को काफी ज्यादा नुकसान होगा बाकी क्या कुछ सोचते हैं आप इस पर कमेंट्स में जरूर बताइएगा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट डेट की बात की जाए तो भारत के एक्सपोर्ट देशों के नाम बढ़ते चले जा रहे हैं जहाँ पर भारत हथियार एक्सपोर्ट करता है आज करीब पिचयासी ऐसे देश है जहाँ पर भारत छोटे बड़े कॉम्पोनेंट और कुछ हथियार डायरेक्टली एक्सपोर्ट करता है भारत का टोटल डिफेंस प्रोडक्शन करीब इक्कीस करोड़ रूपए के आंकड़े को पार कर चुका है लेकिन इस बार ये करीब पचास हजार करोड़ के आंकड़े को पार करेगा और ऐसे में एक्सपोर्ट करने वाले देशों की संख्या जहां पर बढ़ रही है इस लिस्ट में अब मोरक्को का नाम शामिल हो चुका है और ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है भारत की डोमेस्टिक प्रोडक्शन की वजह से क्योंकि समय समय पर दुनिया भर से भारत को तारीफ सुनने को मिलती है आपको याद होगा नाटो में शामिल बत्तीस देशों में से तमाम देशों ने भारत की तारीफ की है कि भारत न केवल सस्ते हथियार बनाता है बल्कि क्वालिटी भी इनमें एडवांस रहती है ऐसे में अगर किसी देश को लंबे समय तक वॉर में रहना है तो वो भारत से कम कीमत पर अच्छे हथियार मंगा सकता है फिलहाल के लिए भारत की तरफ से मोरक्को को छोटे हथियारों का एक काफी बड़ी खेप एक्सपोर्ट की गई है जिसमे कुछ राइफल पिस्तौल और अन्य छोटे बड़े गोला बारूद शामिल है ये भारत की तरफ से एक्सपोर्ट भारतीय रक्षा मंत्रालय और मोरक्को के बीच हुए एक समझौते के तहत किया गया है भारत की तरफ से जो हथियार एक्सपोर्ट किए गए हैं ये सभी अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करते हैं जिसकी वजह से मोरक्को ने बिना कुछ सोचे समझे भारत से ये हथियार इम्पोर्ट करा लिए भारत की ये पहल भारत की मेक इन इंडिया मिशन और भारत के लोकल डिफेंस प्रोडक्शन को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है बाकी भारत के इस तरक्की के, के लिए कमेंट बॉक्स में जहन जरूर लिखेगा भारत के ऐसे ही वीडियो पाने के लिए जरूर कीजिए वंदे मातरम भारत माता की जय